नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप, ग्रैंड एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट, अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वास्तु के अनुसार बेडरूम कहाँ होना चाहिए, या इसको आप ऐसे भी समझिए कि वास्तु में जो 16 दिशाएं होती हैं, तो प्रत्येक दिशा में बेडरूम होने का क्या इफेक्ट होता है। इफेक्ट आप समझ लेंगे तो फिर आप अपने घर के फैमिली मेंबर्स का उनकी जरूरतों के हिसाब से, यानी उनका क्या रिक्वायरमेंट है, उस आधार पे आप उनका बेडरूम डिसाइड कर सकते हैं। ये मैंने अपने सॉफ्टवेयर में एक मैप, जो यहाँ पे देख रहे हैं फ्लोर प्लान है, ये सॉफ्टवेयर में ऐसी सुविधा है, फ्लोर प्लान को यहाँ पे आप ले सकते हैं, फिर इसको ग्रेड कर सकते हैं। 0 डिग्री मान के मैंने किया, चूँकि अभी आपको बताना था। और ये इरेगुलर शेप का ये फ्लैट है, जनरली फ्लैट तो ये रेगुलर ही मिलेंगे। ये रेगुलर से मतलब है जिसमें कॉर्नर्स वगैरह कटे हों, बहुत सारे कॉर्नर्स हों, ये वाला कट आपको जहाँ माउस का ये पॉइंटर है, फिर यहाँ ऐसे मिलते हैं। और ये मैंने इसलिए लिया कि मैक्सिमम लोगों का फ्लैट होता है, या घर भी हो सकता है स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में ना हो, तो आप इससे रिलेट कर पाएं, इसलिए मैंने इसे लिया है। और यहाँ एक बात और समझिएगा, जो मैं इफेक्ट बताऊंगा वो तब है जब आपका जोन बैलेंस होना चाहिए। इसके पीछे मैंने और भी कई वास्तु आधारित वीडियोस बनाए हैं, आप मेरे चैनल पे जो वास्तु एंड एडवांस वास्तु का प्लेलिस्ट है, वहाँ वीडियो आप खोल के देखिए उस प्लेलिस्ट को, तो आपको पता चल जाएगा कि बैलेंसिंग से क्या मतलब है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं एक थोड़ी सी छोटी जानकारी दे दूँ, इस महीने में 15 जुलाई से मेरा 3 कोर्स चालू हो रहा है। 15 जुलाई से कम्प्लीट वास्तु कोर्स चालू हो रहा है, 14 जुलाई से प्रैक्टिकल न्यूमरोलॉजी कोर्स चालू हो रहा है, साथ ही साथ वर्क टाइम रेक्टिफिकेशन कोर्स भी चालू हो रहा है। इन सब से रिलेटेड मैंने वीडियो भी डाले हुए हैं, और विशेष जानकारी के लिए यहाँ मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वास्तु कोर्स में मैं क्या पढ़ाऊँगा वो सारा डिटेल्स मैंने दिया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। और कोई भी कोर्स आप करना चाहें तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपका बेडरूम नॉर्थ में हो, या मैंने माउस का पॉइंटर रखा है, तो क्या इफेक्ट होगा? बहुत अच्छा है। यदि नॉर्थ में बेडरूम है तो मनी एंड अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ही अच्छा है, यहाँ हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ एक टर्म्स एंड कंडीशंस बोलें या हिडन क्लॉज बोलें, वो लगा हुआ है कि यदि आप फायर एलिमेंट के हैं, यदि आप रजस प्रकृति के हैं, यदि आप पीत प्रकृति के हैं, तो फिर इसको आप अवॉइड कीजिए। ये मनुष्य की अपनी प्रकृति होती है, नेचर होती है, उसके आधार पे वास्तु कंसल्टेंट को जज करना पड़ता है। क्योंकि ये मैंने इसलिए बता दिया कि यदि आपने इसके आधार पे किया, तो हो सकता है कुछ ऐसे लोग या आपके फैमिली मेंबर में कोई ऐसा आदमी हो जो रजस प्रकृति का है, वो यहाँ आएगा तो उसको थोड़ी सी गुस्से और चिड़चिड़ापन वाली भावना आ सकती है, तो उसके लिए यहाँ सही नहीं है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे बेडरूम का क्या इफेक्ट होगा? यहाँ जनरली बेडरूम नहीं होना चाहिए। यहाँ किसके लिए बेडरूम हो सकता है? जिनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है उनका बेडरूम यहाँ रखें, चूंकि ये हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन है, तो इसलिए तबीयत खराब होने की स्थिति में यहाँ बेडरूम बनाइए, तबीयत फिर सही हो जाए, आप रिकवर करने लगे, तो फिर आप यहाँ से बेडरूम हटा लीजिए। नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ बेडरूम बना देते हैं, लेकिन 8 या 9 साल से कम के बच्चों का और 60 साल से ऊपर के लोगों का यहाँ पे हो सकता है। क्यों हो सकता है? फिर ये चीज आदमी के जो हमारा शरीर है उसके प्रकृति पे ही निर्भर है। यदि आप कफ प्रकृति के हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए नॉर्थ ईस्ट अच्छा है, लेकिन जनरली 8 से 9 साल के जो बच्चे होते हैं वहीं कफ प्रवृत्ति वाले ही उनकी शरीर होती है, फिर 60+ जब चले जाते हैं तो फिर वहीं कफ प्रकृति हो जाती है, उसको मेंटेन रखता है अच्छा है। अदरवाइज जनरल सेंस में हम बात करें तो यहाँ पे ना हो तो बढ़िया है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट अगेन बहुत ही अच्छा जोन है बेडरूम के लिए, फन एंड रिक्रिएशन का, तरोताजगी महसूस आप करते रहेंगे, हस्बैंड वाइफ के बीच जो रिलेशन होगा वो एक अच्छा रहेगा, फ्रेश रहेगा। फ्रेश से मतलब है कि उनके बीच मनमुटाव नहीं होगा, और कभी हुआ तो वो एकदम लेट गो वाली स्थिति होगी कि चलो छोड़ो इसको, इग्नोर करो,
किसी से भी कोई भी गलती हुई, हस्बैंड से गलती हुई तो उसने भी माफी मांग लिया, सॉरी बोल दिया, वाइफ से हुआ उसने कर दिया, मतलब कुल मिला के बहुत ही आइडियल है। ईस्ट अच्छा है, आपके कनेक्शंस बनेंगे, बढ़िया है। लेकिन एक बात यहाँ फिर मैं बता दे रहा हूँ ईस्ट के लिए क्या है, यदि आप एयर एलिमेंट के जातक हैं और यहाँ आपका ईस्ट एक्सटेंडेड है तो क्या होगा कि लोग ज्यादा आपका यूज करेंगे कॉन्टेक्ट्स में। अब लोग ज्यादा आपका यूज कर रहे हैं, अब वो आपको, आप उसको कैसे ले रहे हैं, आपके लिए अच्छा है या बुरा है, ये आपको डिसाइड करना होगा। आपकी समाज में जो एक कनेक्शन है वो तो बन जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे लोग हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं कि वो हमेशा लोगों के काम में ही बिजी रहते हैं, एक का काम करवा के आया, फिर दूसरा आदमी आ गया, फिर तीसरा। समाज में नाम प्रतिष्ठा तो है, लेकिन वो लोगों के काम के चक्कर में अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो इसलिए वो उनके लिए नेगेटिव स्थिति हो गई। तो फिर आपको जज करना है, ये सिचुएशन यहाँ हो सकता है। किसी भी प्रकार की कोई भी पब्लिक डीलिंग वाले लोग हैं वो यहाँ बेडरूम रख सकते हैं, पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं, कोई भी एजेंट हैं, MR हैं, वो यहाँ पे रख सकते हैं, बढ़िया है। ईस्ट साउथ ईस्ट यहाँ बेडरूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चर्निंग का जोन है, तो जातक ज्यादा सोच विचार करेगा, बाल की खाल निकालने वाली भी एबिलिटी आ जाएगी। वैसे ये जोन अच्छा है, आप जब कुछ सोचना हो, एक डीप थिंकिंग और किसी निष्कर्ष तक पहुंचना हो आपको, तो ये जोन बढ़िया है। मतलब सोने के लिए नहीं, आप वहां बैठ के उस पॉइंट तक पहुंचे, जैसे आपको दो तीन आपके पास ऑप्शन है और उसमें से आपको एक चूज करना है कौन आपके लिए बढ़िया रहेगा, या आप ऐसे कहें कि तीनों ही ऑप्शन आपके लिए बढ़िया है, उन तीनों में से सबसे बेस्ट चुनने के लिए, तो इस प्लेस पे आप बैठ के फिर आप डिसीजन लें तो अच्छे तरीके से करेंगे। अगेन यहाँ मैं रिपीट कर दूँ, ये सारे रिजल्ट बेस्ट तब हैं जब आपका ये वास्तु आधारित ये जो जोन है 16 जोन, ये कम्प्लीटली बैलेंस होना चाहिए। जैसे अभी ये जो मैप दिख रहा है और ये जो कंडीशन मैं आपको बता दूं कि बिना बैलेंस्ड में, यानी बैलेंस नहीं है जोन, और उस स्थिति में ये जातक यहाँ ही साउथ ईस्ट में बैठ के यदि कुछ सोचेगा तो गलत निर्णय ले लेगा, डिसीजन उसका सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि अनबैलेंस वाली स्थिति यहाँ पे है, बैलेंस नहीं है। साउथ ईस्ट बेडरूम के लिए अच्छा है, खासकर यदि यहाँ पे फीमेल का बेडरूम होता है तो एक करेज, एक कॉन्फिडेंस उनमें काफी ज्यादा आ जाएगा। तो मैरिज कपल के लिए यदि मैं बात करूं तो यदि दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों यदि रजस प्रधान है तो फिर उनको यहाँ बचना चाहिए, क्लैश होगा दोनों के बीच में, तो यहाँ बचें अच्छा रहेगा, क्योंकि रिलेशनशिप समझ के निभाना होता है, वो ईगो बीच में नहीं आनी चाहिए। और यहाँ आने पर दोनों यदि रजस के हैं तो फिर आएगा। एक सिंगल आदमी की बात करें, यदि आप रजस के हैं और यहाँ हैं, जोन बैलेंस है, तो फिर आपके लिए बढ़िया है, काफी अच्छा है। साउथ साउथ ईस्ट ये भी काफी अच्छा जोन है, फायर के तीनों जोन बेडरूम के लिए बहुत अच्छे होते हैं, साउथ साउथ ईस्ट भी आपको बढ़िया पावर एंड कॉन्फिडेंस देगा। साउथ रिलैक्सेशन देगा, यदि आपको नींद की समस्या है तो आप अपना बेडरूम यहीं रखें, रिलैक्स होके सोएंगे। लेकिन यदि आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं या आपका काम घर से होता है तो फिर यहाँ अपना बेडरूम नहीं रखें, मतलब आप बेडरूम में बैठ के यदि काम कर रहे हो, मेरे ये कहने का मतलब, वर्क फ्रॉम होम में यदि आप अपने बेडरूम से ही काम कर रहे हैं और उस स्थिति में आपका बेडरूम यहाँ साउथ है तो फिर आपके काम पे ये इसका अफेक्ट आएगा। तो सिर्फ बेडरूम है तो साउथ में रखें, वर्क फ्रॉम होम है तो अपने काम के करने का जो स्पेस है उसको यहाँ से हटा दें। साउथ साउथ वेस्ट अच्छा नहीं वास्तु के हिसाब से, लेकिन टेक्निकल एक पॉइंट है। टेक्निकल एक पॉइंट क्या है, यदि जो लोग कला के क्षेत्र, कला से मतलब जो गाने नृत्य इससे जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये हेल्प कर सकता है। साथ ही साथ कुंडली का आठवां भाव साउथ साउथ वेस्ट से बताता है, तो पार्टिकुलर कोई ऐसा आदमी है जिसको इसी से रिलेटेड काम है तो फिर उसके लिए अच्छा है। मतलब जनरल टर्म में यदि आप समझना चाहें तो बिना कुंडली एनालाइज किए साउथ साउथ वेस्ट में बेडरूम नहीं कहा जा सकता। तो वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बेडरूम अवॉइड कीजिए, नहीं बनाइए। साउथ वेस्ट एगेन अच्छा है, यहाँ बना सकते हैं बेडरूम, कोई दिक्कत नहीं। वेस्ट साउथ वेस्ट यहाँ भी बेडरूम सही है, कोई दिक्कत नहीं बेडरूम यहाँ, खासकर बच्चों के लिए या जो भी लोग, यदि आप भी पढ़ रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, पढ़ने लिखने के शौकीन है,
यहाँ वेस्ट साउथ वेस्ट में आप अपना बेडरूम बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वेस्ट प्रॉफिट एंड गेंस का है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ये बेडरूम आपको डिप्रेशन में डाल सकता है, तो यहाँ मत बनाएं। नॉर्थ वेस्ट अगेन थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी इस सेंस में है, यदि आप स्वतः प्रकृति के हैं या फिर कफ वाले हैं, लोग आपका फायदा उठा सकते हैं, तो यहाँ पे फिर ध्यान देना होगा, लोग आपका फायदा उठा सकते हैं, तो यहाँ से बच के। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट यदि न्यूली वेडेड कपल हैं, ऐसे भी आप यंग हैं और अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो बढ़िया है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम बनाइए। लेकिन एक बात मैं यहाँ कहूँगा, जैसे आपने मेरे कई सारे एस्ट्रोलॉजी के वीडियोज़ भी देखे होंगे, केपी एस्ट्रोलॉजी का जो मैं अपना वीडियो डालता हूँ, उस मैंने कई ऐसे वीडियोज़ में मैंने बताया है कि बहुत से ऐसे हस्बैंड होते हैं जो सेक्सुअली अपने वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर पाते और कई बार घरों में तलाक का कारण भी बनता है। यदि यहाँ बेडरूम आता है हस्बैंड वाइफ का और हस्बैंड सेक्सुअली अपने वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, तो फिर लगभग 99% मान के चलिए कि वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाएगा दूसरी जगह, क्योंकि यहाँ आने के बाद फिर सेक्स की जो क्रेव है ना वो बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी तो फिर समस्या आ सकती है, तो इस बात को आपको समझना होगा। थोड़ा सा और यहाँ मैं इस वेस्ट को कर दूँ, बहुत अच्छा है, आप नौकरी में हैं, बिजनेस में हैं, किसी भी काम में हैं, तो वेस्ट का बेडरूम बहुत अच्छा है, आप बना सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। वैसे ही साउथ वेस्ट की हम बात करें तो साउथ वेस्ट में भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सबसे अच्छा है। तो एक बार यहाँ मार्क में कर दे रहा हूँ बेडरूम के लिए, जो टर्म एंड कंडीशन में जिस जोन के लिए बताया था उसको ध्यान में रखिएगा, और उसको ध्यान में रखने के बाद निर्विवाद रूप से इन जगहों पे, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 जोन है। वेस्ट साउथ वेस्ट भी सही, खासकर पढ़ने के लिए बच्चों का स्टडी रूम भी यहाँ बना सकते हैं, यहाँ मत बनाइए। यहाँ फिर मैंने बोला ये ट्रिकी है, इसको ध्यान रखिए, ये बढ़िया है, लेकिन बस यही है कि हस्बैंड यदि सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। ये दोनों जो उनको छोड़ दीजिए, यहाँ बेडरूम मत बनाइए, फिर यहाँ बेडरूम तो नहीं होना है। और यहाँ भी जो मैंने बताया था टर्म एंड कंडीशन, रजस प्रधान होंगे हस्बैंड वाइफ तो बचना है, एक आदमी तो फिर यहाँ पे सही है। इस आधार पे आप बेडरूम का सिलेक्शन करें, बढ़िया रहेगा, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और यदि आप मेरे कोर्स को करना चाहते हैं, कोई भी मुझसे आप कोर्स करते हैं तो प्रत्येक कोर्स में 2 महीने का प्रैक्टिस सपोर्ट मिलता है, केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स में 4 महीने का प्रैक्टिस सपोर्ट मिलता है, तो आप आइए। मैं कहूँगा कोई भी आदमी कहेगा जो पढ़ा रहा होगा अपनी सर्विसेज दे रहेगा वो यही बोलेगा, बाकी यदि आपको जहाँ से लगे आप सीखें समझें तरक्की करें लाइफ में, बने रहिए, मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ, धन्यवाद। ये कभी कभी प्रॉब्लम कर देता है। चलिए फिर से मैं आप लोगों को धन्यवाद बोल देता हूँ।